वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम पंजाब नेशनल बैंक स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो पंजाब नेशनल बैंक स्टॉक की बात की जाए तो फ्राइडे आज देख सकते 30.80 पे क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका है, यानी कि जो प्रीवियस क्लोजिंग है उसी के साथ क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका है आज के दिन में। तो देख सकते कि पंजाब नेशनल बैंक स्टॉक ने यहाँ पे 30 लेवल का सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है पिछले कई दिनों से। मिस यहाँ पे लास्ट वीक में तो एक यहाँ पे गिरावट के बाद एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। तो आज देख सकते कि तकरीबन गैप अप से ऊपर ओपन होकर तेजी भी देखने को मिली थी, पर 31 लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लगती है गिरावट देखने को मिली थी। तकरीबन मार्केट कैप के ऊपर नजर डाली जाए तो 33.91,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो मार्केट कैप 34,000 करोड़ के नीचे फिर से आता हुआ नजर आ चुका है। पी रेशो भी देख सकते अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और डिविडेंड भी दे देता है स्टॉक, अच्छा खासा 2% डिविडेंड यील्ड है। तो पिछले 5 दिनों पे नजर डाली जाए तो पिछले 5 दिनों में 1.65% अफ है, यहाँ पे देख सकते हो। और एनएसए पे यहाँ पे वॉल्यूम भी देखा जाए तो ट्रेडेड वॉल्यूम टोटल 1,44,00,000 का देखने को मिला है। पंजाब नेशनल बैंक स्टॉक में ट्रेडेड वैल्यू 4,453,00,000 की है। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन भी देखा जाए तो बहुत ही कम डिलीवरी परसेंटेज दिखाई दे रहा है, जैसे कि 1,44,00,000 में से टोटल 20,00,000 क्वांटिटी सिर्फ डिलीवरी के लिए जा चुकी है, यानी कि सिर्फ 14% क्वांटिटी जो ट्रेडेड थी उसमें से सिर्फ 14% क्वांटिटी डिलीवरी के लिए जा चुके हैं, जो कि बहुत कम परसेंटेज दिखाई दे रहे हैं डिलीवरी के लिए। तो देख सकते कि पिछकाल भी डोजी से कैंडल फॉर्म हो चुकी थी, आज भी डोजी कैंडल फॉर्म हो चुकी है, ऊपर जो मंथली रजिस्ट्रेशन हुआ है 31.20 के हुए, उसको ब्रेकआउट करना इंपॉर्टेंट रहेगा। जब उसको ब्रेकआउट करेगा तब एक अच्छी तेजी और भी देखने को मिलेगी पंजाब नेशनल बैंक स्टॉक के अंदर। तो ये लेटेस्ट अपडेट पीएनबी बैंक स्टॉक के लिए।